वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, जो कि थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट हैं, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या फिर कैड के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट हैं। तो आइए देखते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में, मतलब कि सेकेंड ईयर में, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो पहला सब्जेक्ट हम लोग के पास रहेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, ठीक है। ये मैथ का थर्ड और लास्ट पार्ट यहाँ पे पढ़ना होगा सेकेंड ईयर में, ठीक है। सेकेंड सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ऑटोमोबाइल या फिर प्रोडक्शन में जो भी मटेरियल्स इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं, उन मटेरियल के बारे में, उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। थर्ड सब्जेक्ट होगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जो कि इसका लेवल थोड़ा सा टफ है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट होगा थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। और फिफ्थ सब्जेक्ट है हम लोग पास कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग। ये पांचवा जो सब्जेक्ट है, इसका रिटन पेपर नहीं होगा, केवल लैब है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और फिर छठा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये छह सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने के लिए। इसमें आपको डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे क्या क्या पढ़ने को मिल जाएगा, ध्यान दीजिए। डिप्लोमा क्लासेस चैनल पे अप्लाइड मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, थर्मल इंजीनियरिंग का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। ये लैब है पांचवा, जो आपको कॉलेज में कराया जाएगा, ठीक है। और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की भी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगी। अगर इन सब वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।